हेलो क्लास यूकेजी, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड यू डूइंग वर्क वेरी वेल. ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल एंड डूइंग द वर्क वेरी वेल. ये हमारी आज हमारा यूकेजी वर्क मैं करा रही हूँ एंड दिस इज़ द रिवीजन. ओके, मैंने हम लोग वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करा चुके हैं और आपकी मोस्टली कॉपीज़ मैंने चेक की हैं, तो उनमें जो मुझे प्रॉब्लम दिखाई दी वही दिखाई दी है कि आप लोगों ने नंबर लाइन को प्रॉपर यूज़ नहीं किया. मैक्सिमम बच्चों ने, कुछ बच्चों ने अच्छे से किया है, बट मैक्सिमम जो मेरे पास शीट्स आई हैं अभी तक हाफ ईयरली की चेक होने के लिए, उसमें आप लोगों ने नंबर लाइन को यूज़ करने में उसमें मिस्टेक की है. तो आज मैं इसी का आपको रिवीजन कराऊंगी क्योंकि ये एनुअल एग्ज़ाम में भी आएगा. सो आई थिंक यू शुड बी वेल फैमिलियर विद द नंबर लाइन, विद द यूज़ ऑफ नंबर लाइन. आपको अच्छे से इसके साथ फैमिलियर हो जाना चाहिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि नंबर लाइन को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कैसे यूज़ करते हैं. मैं आपको बहुत टाइम इसको रिवाइज़ करा चुकी, बट आप फिर पे मैंने स्पेशली आज मैंने ये आपका नंबर लाइन का एक्सरसाइज लिया है ताकि आप लोगों को, इवन पेरेंट्स को भी अगर कोई कंफ्यूजन है नंबर लाइन में, तो वो बच्चों को अच्छे से सिखाएं. प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए हाउ टू यूज़ अ नंबर लाइन. ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सी हाउ डू हाउ वी विल यूज़. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द एडिशन. एडिशन क्या होता है? प्लस जोड़ना. ओके, लेट्स सी हाउ वी विल डू इट. 4 + 2. ओके, हमें 4 में प्लस को 2 को ऐड करना है. ओके, सो हाउ वी विल यूज द नंबर लाइन. तो नंबर लाइन, व्हेन वी विल यूज द नंबर लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट नंबर लाइन फ्रॉम 0. 0 से स्टार्ट करते हैं. 0 से आप 10 पर भी ले जाते हैं, 20 तक भी ले जा सकते हैं, 30 तक भी ले जा सकते हैं, 40 तक भी ले जा सकते हैं. तो नंबर लाइन आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. ओके, तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से. ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0. वी विल टेक 0. 0 से हम ऊपर से डायरेक्ट 4 पर जंप करेंगे. ओके, यहाँ 4 है ना, फर्स्ट नंबर हमारा 4 है. सो वी विल जंप टू 4. 0 से सीधे 4 पर जंप करेंगे. ओके, लाइक दिस. ये देखिए, इस तरह से सीधे हम 4 पर आ गए. ओके, बच्चों ने इस तरह से किया है, दे हैव डन लाइक दिस. ऐसे नहीं करना है. अगर आपको एडिशन करना है, सो यू विल जंप फ्रॉम 0 टू दैट नंबर विच कम फर्स्ट. जो पहला नंबर है हमारा, उस पर डायरेक्ट आपको जंप करना है इस तरह से. ठीक है, देन उसके बाद हमें 2 ऐड करना है. वी हैव टू ऐड 2. देन व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू द नंबर 1 by 1. हम 2 नंबर करेंगे, 1 and 2. तो हमने 2 काउंट कर लिया आगे. तो हमारा कितना नंबर यहाँ पर आया? वी हैव 6 नंबर. ओके, सो द एडिशन ऑफ 4 and 2 इज 6. ठीक है, 4 and 2 का एडिशन कितना हो गया? 6. तो इस तरह से हमें नंबर लाइन को यूज़ करना है, लाइक दिस. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फर्स्ट नंबर. हमें फर्स्ट नंबर देखना है, देन वी विल जंप फ्रॉम 0 टू दैट नंबर. सपोज यहाँ 4 नंबर है, तो आप 0 से डायरेक्ट 4 पर जाएंगे. फिर जितने हम नंबर, हमें यहाँ पर 2 हैं, हमें 2 ऐड करने हैं, तो उतने ही नंबर हमें काउंट करना है 1 by 1. 1, 2. तो आपका 2 नंबर यहाँ पर 6 पर आता है, देन इट इज़ द आंसर. ठीक है, अगेन मैं दोबारा से बता रही हूँ, फिर से देख लीजिए. 3 + 4. सो सी वॉट इज़ द फर्स्ट नंबर. दिस इज़ द फर्स्ट नंबर, 3. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू 3. 0 to 3 जंप करेंगे 0 से 3 पर. नाउ वी विल काउंट 4 1 by 1. अब हमें 4 को 1 by 1 ऐड करना है. 1, 2, 3, 4. सो विच नंबर कम्स नाउ? 7. सो 4 + 3 इज 7. द सम ऑफ 3 और 4 इज 7. तो इस तरह से आपको एडिशन में नंबर लाइन यूज़ करना है. नाउ कम ऑन सब्ट्रैक्शन. आप सब्ट्रैक्शन देख लीजिए, बहुत आसानी, बहुत ध्यान से देखिएगा. सी दिस इज 6. सो अगेन वी विल सी द फर्स्ट नंबर. हमें पहला नंबर देखना है, हमें 6 से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, 6 से 2 को घटाना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो क्या करेंगे हम? 0 से 6 पर डायरेक्ट जंप करेंगे. दोनों कंडीशन में, एडिशन में एंड सब्ट्रैक्शन में, दोनों में हमें जंप करना है फर्स्ट नंबर पर. ओके, 0 से 6 पर जाएंगे सीधे. ये गए हम 6. ओके, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन? सी दिस,
अब हमें टू सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें नीचे से जाना है, वन बाय वन टू नंबर काउंट करेंगे लाइक दिस, वन टू, जो विच नंबर इज कमिंग, फोर, सर आंसर इज फोर, तो हमारा आंसर क्या हो गया, फोर, अंडरस्टूड? अगेन आई एम टेलिंग यू, ये एट है हमारा, एट में जीरो टू एट डायरेक्ट जंप, जीरो टू एट, ओके, एट पर चले गए हम. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट फाइव, तो उसके लिए क्या करेंगे, एट से नीचे वन बाय वन फाइव काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, सो द आंसर इज थ्री, ओके. तो आई होप सब बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से नंबर लाइन का यूज़ समझ पाएंगे, और आगे जब भी मैं टेस्ट में दूंगी तभी आप लोग इसको अच्छे से प्रॉपर करेंगे, ओके. थैंक यू.